हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ पिज़्ज़ा। सॉरी, मैं नहीं, आज मेरी बेटी बनाना जा रही है पिज़्ज़ा। वो उसको बहुत पसंद है, वो खुद ही बना लेती है पिज़्ज़ा जब उसको खाने का मन करता है। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा बेस। मैंने दो पिज़्ज़ा बेस लिया है, चॉप्ड कैप्सिकम, सेज़वान सॉस, टमाटो केचप, चॉप्ड ऑनियन एंड ग्रेटेड चीज़, चॉप्ड टमाटोज। एक बाउल ले लिया मैंने और फिर उसमें चॉप्ड कैप्सिकम डाल दी अच्छी तरह से। एक कैप्सिकम लिया है, उसको चॉप्ड करके इसमें डाल दिया। इसके अंदर चॉप्ड टमाटो, ये भी एक टमाटो है। फिर चॉप्ड ओनियन, प्याज चॉप करके इसमें डाल दीजिए। ये है सेज़वान सॉस, इसको भी हम डाल देते हैं। ये सेज़वान सॉस उसको बहुत पसंद है। ये है टोमेटो केचप, उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये बहुत इजी है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, वो थोड़ा डाल देते हैं इसमें। ये डिश बनाने में नमक नहीं लगता है क्योंकि सेज़वान सॉस और हम लोग सीजनिंग करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। याद रखिए, नमक मत डालना तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। अभी हमने जो ग्रेटेड चीज़ लिया था ना, उसको ऐसे एक पिज़्ज़ा बेस लेके उसके अंदर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। यहाँ पे आप चीज़ नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है करके वो ऊपर नीचे दो चारों तरफ पिज़्ज़ा स्प्रेड करती है। उसने देखो कैसे कितने सारे चीज़ डाल रही है। फिर वो चीज़ के एक लेयर बनाने के बाद ये जो मिक्सचर बोल में तैयार करके रखी है उसको इसके अंदर ऊपर स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरह से, और स्पून से थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर दीजिएगा चारों तरफ से, जैसे पूरा पिज़्ज़ा बेस ढक जाए, कवर हो जाए। तो पूरा ऐसे वो मिक्सचर इसमें आप अच्छी तरह से स्प्रेड कर दो। अगेन इसके ऊपर वो ग्रेटेड चीज़ डालना है। आप चाहे तो वो पहले वाला चीज़ नहीं डालो तो भी चलेगा, लेकिन ये ऊपर चीज़ डालना क्योंकि ऊपर की चीज़ मेल्ट होके वही अच्छा लुक देता है पिज़्ज़ा का। तो यहाँ पे भी इसने बहुत सारे चीज़ डाली। अभी ये हो गया, अभी थोड़ा सीजनिंग करेंगे। ये है रेड पेपर फ्लेक्स, इसके ऊपर थोड़ा सा रेड पेपर फ्लेक्स, और ये है पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग भी थोड़ा इसके ऊपर डाल दीजिए, और ये है सैंडविच मसाला, उसको भी थोड़ा डाल दिया है। ऐसे ही हम दूसरे पिज़्ज़ा बेस बना लेंगे। और अवन को पहले से ही कन्वेक्शन मोड में प्री हीट करके रखा है। अभी एक हम ग्रिल जो स्टैंड है उसमें वो दो पिज़्ज़ा को डाल के हम कन्वेक्शन मोड में, हाई मोड पे 7 से 8 मिनट तक चलाएंगे। फिर देखो कैसे यम्मी चीज़ा बन गया। वेरी इजी प्रोसेस है। होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू विल एंजॉय।